नमस्कार। जिंदगी बड़ी मजेदार शय है, समझ आ जाए तो क्या बात है, और अगर समझ ना आए तो कुछ बात तो है। तो जिंदगी की तमाम पेचीदगियों को समझते हुए जिंदगी को खूबसूरत ढंग से जीना हमें सीखना होता है, क्योंकि जिंदगी कैसा खेल है, एक ऐसी शतरंज है जिसमें प्यादे अगर आपके हिसाब से चलें तो क्या बात है। तो हमारी कोशिश यही रहती है कि जिंदगी आपके हिसाब से चले, आपके कंट्रोल में रहे, लेकिन इसके लिए आपको अपने कर्मों को मजबूत करना होता है। कैसे, बताते हैं ज्योतिष गुरु। बहुत बहुत स्वागत है ज्योतिष गुरु आपका। जी नमस्कार। तो कैसा है आप सबका आज का दिन, हो जाइए तैयार, क्योंकि ज्योतिष गुरु हैं तैयार आपको बताने समझाने के लिए कि कैसे आपको आज के दिन को जीना है। लेकिन उससे पहले पंचांग। आज 11 जनवरी 2020 है और शनिवार का दिन। श्री विक्रमी संवत 2076 है और शक संवत 1941। माघ मास चल रहा है और कृष्ण पक्ष। प्रतिपदा तिथि है रात 10:41 तक और उसके बाद द्वितीय तिथि। पुनर्वसु नक्षत्र है दोपहर 1:30 तक और उसके बाद पुष्य नक्षत्र है। चंद्रमा चल रहे हैं मिथुन राशि में और चंद्रमा कर्क राशि में प्रवेश कर चुके हैं सुबह 7:52 पर। तो पंचांग तो हो गया, अब बात होनी है हमारी और आपकी, और शुरुआत होती है मेष और वृषभ आपसे। तो आइए आपके आज के दिन को देख लिया जाए और उसके बाद फिर आपको तैयारी कराई जाए क्या करें क्या ना करें के साथ। मेष राशि वालों के लिए ये आपकी बनी हुई दुआओं का असर है कि आपकी जिंदगी में सुख और सुकून है और ये समय आपको अपनों से जोड़े हुए है। जिंदगी का हर पल इसी तरह की खुशियों के रूप में बना रहे, ये सबसे बड़ा आशीर्वाद है। अपने मन में अपनों के करीब आने की इच्छा बनाए रखेंगे तो इच्छाएं पूरी भी जरूर होंगी। क्या करना चाहिए समय में, हर चीज में अपनापन ढूंढेंगे तो वो अपनापन आपको मिलेगा भी जरूर, इसलिए घलमेल बिठाना होगा। अपने बड़े बुजुर्गों की हर बात को समझते हुए आप अपने कदम आगे बढ़ाएंगे तो आपके लिए जिंदगी का सही रास्ता भी बना रहेगा। क्या ना करें समय में, किसी अच्छे निवेश की वजह से जो धन लाभ के मौके मिल रहे हैं उन्हें हाथ से न जाने दें। वैसे भी आर्थिक स्थिति बेहतर हो रही है और अपनी आमदनी को बचत के रूप में बढ़ावा दिया जा सकता है, पर पैसे से जुड़े फैसलों में अपनी ओर से किसी भी तरह की गलती बिल्कुल ना करें। वृषभ राशि वाले मेहनत भी कर रहे हैं पर आपकी जिंदगी की चुनौतियां भी बनी हुई, वो मेहनत इस रूप से भी नजर आ रही है क्योंकि कामकाज के प्रति आपकी लगन अच्छी है। फिर भी यह समय ही कुछ ऐसा है जिसमें लोगों को खुश रखना मुश्किल हो सकता है, जिसके लिए आपको लगातार प्रयास करने होंगे। जिंदगी की चुनौतियां छोटी छोटी बातों से ही बनती हैं और उन्हें संभालने के लिए भी लगातार जूझना पड़ता है। ये जिंदगी की ऐसी सच्चाई है जिसे हम सबको समझना बहुत जरूरी है। क्या करना चाहिए समय में, अपनी कोशिशों को सही दिशा दे लें और उसका अच्छा फल आपको जरूर मिलेगा। जिस भी काम से जुड़े हुए हैं उसमें मन लगाना होगा। मुश्किलों के दूर होने का समय धीरे धीरे बनता चला जा रहा है और इसी रूप से अब आपको जिंदगी नए मौके देती चली जाएगी। क्या ना करें समय में, कामकाज के क्षेत्र में किसी भी तरह की अनबन न उभरने दें। आपकी सच्चाई और ईमानदारी नजर आ रही है पर इसका यह मतलब नहीं है कि लोग भी वैसे ही सोचें जैसे आप सोच रहे हैं, इसलिए किसी भी तरह की मतभेद की स्थिति को बढ़ावा देते चले जाना भी ठीक नहीं। ऐसा होता नहीं है कि जैसा आप सोच रहे हैं हर कोई वैसा ही सोच रहा हो, इसलिए मतभेद भी नहीं उलझना है, दूसरों की भी बात समझनी है। हमें सवाल लेना है पवन का। पवन, डेट ऑफ बर्थ 13/11/1989, 4:30, सुबह इनका जन्म हुआ है मालेगांव नाशिक जिले में महाराष्ट्र के। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हैं, जॉब करते हैं, पैकेज अच्छा नहीं है। कब तक एक अच्छे पैकेज वाली जॉब मिलेगी? पवन, आपकी कुंडली है जी कन्या लगन की और मेष राशि की। आपकी महादशा चल रही है जी राहु की और अंतरदशा भी चल रही है राहु की जून 2021 तक। आप एक इंजीनियर हैं, जॉब में हैं और आपने कहा कि आपका पैकेज बहुत अच्छा नहीं है इसलिए जॉब चेंज करना चाह रहे हैं। देखिए, आने वाले 4 महीने में आपको जॉब तो मिल सकती है लेकिन उससे आपके प्रोफेशनल हालात या फाइनेंशियल हालात बहुत ज़्यादा सुधरें ऐसा होना संभव नहीं है। इसलिए अगर कोई ऐसा मौका सामने आए तो बहुत सूझबूझ कर ही फैसले करने हैं। वैसे जिस रूप से आपने सवाल पूछा है कि बेहतर जॉब मिले जिसमें आपको बेहतर पैकेज मिले, वो जॉब आपको मिल सकती है लगभग जुलाई अगस्त 2021 में जी, अब से 1.5 साल के बाद। देखिए, अब से 4 महीने बाद एक मौका, थोड़ा अच्छा मौका आपको मिल सकता है। सही मायने में 1.5 साल बाद वो समय आ रहा है जिसका आपको इंतजार है। आगे बढ़ते हैं मिथुन और कर्क। अब आपके बारे में जानते हैं ज्योतिष गुरु से कैसा है आप सबका आज का दिन, क्या करें क्या बिल्कुल ना करें। मिथुन राशि वालों के सामने कई तरह के अच्छे मौके हैं जिसके चलते कामकाज में वृद्धि की जा सकती है।
अपना नजरिया भी उसी रूप से बनाना होगा कि आप बेहतर होती हुई संभावनाओं से पूरा फायदा उठा सकें। ऐसे में लोग भी आपके प्रति अपनी अच्छाई बनाए हुए हैं, जिसके चलते अपने मन में बिठाई हुई हर तरह की मुश्किल को भी संभाला जा सकता है। क्या करना चाहिए समय में? हर तरह से मधुरता बनाए रखें, लोगों को भी समझने की कोशिश करें और घर परिवार की खुशियों को भी बनाने में अपना योगदान देते चले जाएं। पैसे से जुड़ी योजना बनाकर चलेंगे तो आपकी समृद्धि में भी इजाफा होता चला जाएगा। क्या ना करें समय में? कोई प्यार का रिश्ता आपके लिए सुखद परिस्थितियां दिखा रहा है और उसकी वजह से अपना कोई नुकसान ना कर बैठे। हालात आपके लिए मददगार हो सकते हैं, पर अपने पैसे के लेन देन में किसी भी तरह की गलती कर चाहना इस समय ठीक नहीं है। कर्क राशि वाले ही समझ लें कि कई बार अपना भरोसा बहुत ज्यादा बढ़ा लेने से भी मुश्किलें पैदा हो जाती हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है कि लोग भी आपको उसी तरह से समझ पाएं और आपकी तरफदारी कर पाएं। जिंदगी की इन्हीं चुनौतियों को समझते हुए अपने अंदर परिवर्तन लाने की भी जरूरत पड़ सकती है। क्या करना चाहिए समय में? खुद पर भरोसा जरूर बनाएं और उस अच्छाई को अपने काम और अपने प्रदर्शन में लगाने की भी कोशिश कर लें, ताकि आपकी अच्छाई लोगों को नजर भी आए। किसी भी चीज में आपसी सहमति बनाकर चलने की कोशिश करनी होगी, तभी इस चीज का पूरा लाभ आपको मिल पाएगा। क्या ना करें समय में? पैसे को लेकर लापरवाह होते चले जाना ठीक नहीं, इसलिए पैसे से जुड़े फैसलों में किसी भी तरह की गलती ना करें। बिना सोचे समझे अपने रोजमर्रा के खर्चों को बढ़ा लेना भी ठीक नहीं। तो बिना सोचे समझे अपने रोजमर्रा के खर्चों को बढ़ाइए नहीं, थोड़ा सा नजर रखिए अपने पैसे पे। सिंह और कन्या राशि, देखिए आपके जीवन के हर पहलू पर हमारी नजर रहती है, तभी हम आपको बताते हैं आपके राशिफल के बाद आप क्या करें क्या ना करें। सिंह राशि वाले रिश्तों के प्रति अच्छा सोचते हैं, पर आपका मन कहीं और ही भटक रहा है। किसी प्यार के रिश्ते से जुड़ी जो भी कठिनाइयां हैं, उन्हें भी अपनी सूझबूझ से ही संभालने की कोशिश की जा सकती है। जो कुछ अच्छा लग रहा है, उसके पीछे भी किसी न किसी तरह की आलोचना छुपी हुई हो सकती है। क्या करना चाहिए समय? जिंदगी की स्थिरता बनानी है तो अपने मन में उमड़ते हुए तूफान को संभालना होगा। बहुत ज्यादा सोचने से भी इंसान कभी ना कभी गलती कर जाता है, इसलिए जिंदगी की उस अच्छाई को समझना होगा जो आपके लिए भरपूर बनी हुई है, ताकि उसे आप आगे भी बनाए रखें। इस बात को समझ लें कि उत्तेजित होकर फैसले करने से भी मुश्किलें पैदा हो सकती हैं। क्या ना करें समय में? अपनी मेहनत को लोगों के लिए इस्तेमाल करना अच्छी बात है, पर ऐसे में लोगों को अपने ऊपर हावी होने देना ठीक नहीं। अपनी योग्यताओं को इस्तेमाल करते हुए लोगों की सलाह जरूर ले लें, पर किसी भी बात को बहस का मुद्दा बनाकर अपने लिए परेशानियां ना बटोरते चले जाएं। कन्या राशि वालों की आर्थिक स्थिति भी ठीक है और आपकी मेहनत भी बनी हुई है। आपके दोस्तों की बहुत सुंदर भूमिका बनी हुई है आपकी जिंदगी में, जिसे बनाए रखने से आपकी जिंदगी की खुशियां भी हर रूप से बनी रहे। इस अच्छाई को पूरी तरह से समझे, ताकि जिंदगी का तालमेल आपको हर कदम पर मदद करता चला जाए। क्या करना चाहिए समय में? अपनी बेहतर होती हुई आमदनी को सही दिशा में लगाने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये समय कुछ ऐसा है जो आर्थिक उपलब्धियों को तो दिखा रहा है, लेकिन उस पैसे को सही दिशा में लगाने में कमी हो सकती है, जिस ओर आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। क्या न करें समय में? कोई ऐसी गलत फहमी न उत्पन्न होने दें जिसके चलते अच्छी भली बात भी बिगड़ जाए। तकदीर को आजमाने के प्रयास में भी अपने लिए रुकावटें ना खड़ी करते चले जाएं। कोई बहस रुकावटों का कारण बन सकती है, इसलिए किसी बहस में पड़ते चले जाना भी ठीक नहीं। तो बहस में उलझने का कोई मतलब नहीं है, दूर रहिए हर तरह की बहस से। धनंजय सिंह राठौर का सवाल है सर, डेट ऑफ बर्थ है 23/12/1995, 1:30 दोपहर बाद इनका जन्म हुआ है जयपुर। करियर से जुड़ा सवाल है, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में जाना चाहते हैं बचपन से, कॉलेज में इनके मार्क्स थे स्कूल में 75%, फिजिकली फिट भी हैं, अच्छी स्किल्स भी रखते हैं ऐसा इनका मानना है, लेकिन SSB दिया था पिछली बार और नहीं हो पाया। अच्छा आगे लिखते हैं कि आई हैड ट्राइड फॉर 15 times बट एवरी टाइम गॉट रिजेक्टेड फ्रॉम बाउंड्री लाइन। इतनी बार SSB दिया लेकिन क्लियर नहीं कर पाए, क्या ये सपना पूरा होगा या जिंदगी कुछ और कह रही है। धनंजय आपकी कुंडली है जी मीन लगन की और धनु राशि की, आपकी महादशा चल रही है जी मंगल की और अंतरदशा चल रही है शुक्र की 2020 तक, सितंबर 2020 तक। देखिए फौज में अफसर बनने का सपना है आपके मन में और उस दिशा में आप प्रयास भी बहुत कर रहे हैं, लेकिन सफलता नहीं मिल पा रही। देखिए आपकी कुंडली का इशारा ये है कि कैरियर बनाने के लिए आपको हर तरह के विकल्प टटोलने होंगे। कोशिश करना अच्छी बात है, ये कोशिश ज़रूर कीजिए जो आप आर्मी में जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अपनी सोच को और अपने प्रयास को थोड़ा सा विस्तार दे दीजिए, क्योंकि ऐसा करने से आपको अपना कैरियर बनाने में सहूलत होगी। 15 बार आपने ट्राई किया है, ये थोड़ा सा आंकड़ा समझ में नहीं आ रहा। बहरहाल
आप कोशिश पूरी कर रहे हैं, आपने क्षमता भी है, लेकिन यहां पर करना क्या है, कोशिश करते रहें आप, लेकिन थोड़ा सा अपनी सोच को, अपनी सोच के दायरे को फैला लीजिए। आप इतने टैलेंटेड हैं, आप में इतनी क्षमता है, इसके साथ साथ बहुत कुछ और भी है, करियर के ऑप्शंस आपके आसपास होंगे जिसमें आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, थोड़ा सा उस तरफ भी सोचते चलिएगा। इस दिशा में आगे बढ़ेंगे हम और अब बात करेंगे तुला और वृश्चिक, आपकी क्या है आपके लिए आज के लिए? तुला राशि वालों के कामकाज की स्थिति ठीक है और आपको बड़ी प्रेरणा दे रही है कि उसे और बेहतर किया जा सके, और ऐसे अच्छे मौके कभी कभी मिला करते हैं जिसमें काम में भी तरक्की मिल रही हो और काम से लाभ भी बना हुआ हो। क्या करना चाहिए समय? अपनी एकाग्रता बनाए रखने से जिंदगी के बहुत सारे पहलुओं को भलीभांति संभाला जा सकता है और इस अच्छाई को भी समझा जा सकता है जो आपके अपनों के सहयोग से आपके लिए बनी हुई। फिर भी किसी विचार विमर्श में विनम्रता अपनानी होगी। क्या ना करें इस समय में? किसी प्यार के रिश्ते को समझ लेना अच्छी बात, पर उससे जुड़ी हुई जो भी मुश्किलें हैं उन्हें नज़रअंदाज करना ठीक नहीं। इसलिए सिर्फ अपनी ही बात ना कहते चले जाएं, दूसरों की बात को भी सुन लें ताकि आपसे कोई गलती ना हो जाए। वृश्चिक राशि वालों के लिए हालात हर तरह से भाग्यशाली स्थिति दर्शा रहे हैं जिसमें आपके पैसे से जुड़ी अच्छी संभावनाएं भी शामिल। बहुत कुछ जिंदगी में ऐसा हो रहा है जो आपके भरोसे को जगा रहा है और आपको आगे बढ़ने में मदद कर रहा है। क्या करना चाहिए समय? इस अच्छाई को भी समझें जो किसी दूर स्थान की यात्रा या बदलाव से जुड़ी हुई। कई तरह के फैसले जिंदगी में इस रूप से भी लेने पड़ते हैं जो आपका दूर तक साथ निभाए। इंसान का भरोसा बना रहे तो ये सब कुछ करना भी आसान हो जाता है। क्या ना करें इस समय में? किसी भी ऐसे मौके को हाथ से ना जाने दें जो आपको अपनों के करीब लाए या आपको अपनों को समझने में मदद करें। ये समय जिंदगी की खुशियों को बनाए रखने के लिए अच्छा है, पर अपने प्रबल होते हुए विचारों की वजह से उसे कमजोर करते चले जाना भी ठीक नहीं। थोड़ा सा धैर्य रखिएगा, थोड़ा सा शांत रहिएगा, बहुत प्रबल विचारों के साथ आगे मत बढ़िएगा। धनुर्मकर राशि, अब आपको कैसे आगे बढ़ना है आज के दिन, क्या करना है क्या नहीं करना है, सब कुछ बताएंगे आपको ज्योतिष गुरु। धनु राशि वालों को बहुत सारी शांति बनाए रखनी होगी और अपने अंदर ऐसी विनम्रता लानी होगी कि आप अपनी बात कहने के बजाय दूसरों की बात ज्यादा सुन सकें। इसी चीज से फायदा होगा। क्या करना चाहिए समय में? जिंदगी का सुख और सुकून इस रूप से बनेगा जो आपको अपनों से जोड़े। किसी प्यार के रिश्ते में भी इसी बात को बहुत ध्यानपूर्वक समझना होगा। कोई ऐसा विचार बनाने से बचना होगा जो आपकी स्थिरता को भंग करे और खासकर किसी प्यार के रिश्ते में अपनी इच्छाओं को बढ़ाते चले जाने से नुकसान हो सकता है, इस बात को भी समझना होगा। क्या ना करें इस समय में? आपकी पैसे की स्थिति ठीक है, पर पैसे को जरूरत से ज्यादा जुटाने से भी नुकसान हो सकता है। इसलिए कोई ऐसा विचार ना बनाए जो आपकी अच्छी भली स्थिति को कमजोर करता चला जाए। मकर राशि वाले ही समझ लें कि लोग आपकी हर तरह से सहायता करना चाह रहे हैं, लेकिन आप अपनी ओर से लापरवाह बने हुए हैं। पूरी अच्छाई बनने में अभी भी थोड़ा सा वक्त लग सकता है, इसलिए बहुत सारा धैर्य बनाए रखने की भी जरूरत है। क्या करना चाहिए समय में? लोगों के प्रति सजग रहना बहुत जरूरी है और अपने कामकाज पर भी नजर रखने की जरूरत है ताकि आप इस समय की प्राथमिकताओं को समझकर ही अपने कदम आगे बढ़ा पाए। लोगों की अच्छी सलाह से भी आपको फायदा हो सकता है। क्या ना करें इस समय में? कामकाज के क्षेत्र में अपने प्रदर्शन को बनाए रखने में कोई कमी ना आने दें। इसलिए किसी से भी कोई ऐसी बात ना कहें जो आपकी अच्छाई को कम करती चली जाए। रिश्तों के प्रति अपनी विनम्रता बनाए रखना बहुत जरूरी है ताकि आपकी ओर से कोई कमी ना रहे। तो आइए आपके तारे में एक बार फिर से आगे बढ़ते हैं ज्योतिष गुरु के साथ कुछ और राशियों के साथ। कुंभ और मीन राशि, देखिए जिंदगी बहुत ही खूबसूरत शक्ल में हमारे सामने आती है, हर रोज बहुत सारी चुनौतियां भी हमारे सामने लेकर आती है, लेकिन चुनौतियों को अगर हम समझ पाएं तो चुनौतियां हमारे लिए अवसर बन जाती हैं। तो आज का दिन क्या अवसर दे रहा है आपको, ये नोट कीजिए। कुंभ राशि वालों को अपने प्रबल होते हुए विचारों को थामना होगा ताकि आप जिंदगी के उस सुख और सुकून को भली भांति समझ पाएं जो इस समय आपके लिए बना हुआ है। इसलिए किसी भी तरह की बहस में पड़कर मतभेद बढ़ाते चले जाने से भी बचना होगा आपको। क्या करना चाहिए समय में? सेहत की ओर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। सब कुछ ठीक होते हुए भी आपकी लापरवाही इस रूप से हो सकती है कि आपके अनुशासन में कमी है, इसलिए भी थोड़ा सा संयम बनाए रखने की जरूरत है। क्या ना करें समय? अगर आप आगे पढ़ना चाह रहे हैं तो ऐसे किसी मौके को हाथ से ना जाने दें और किसी भी चीज को शक की नजर से भी ना देखते चले जाएं। आपके अंदर हर तरह की क्षमता है जो आप अपनी पढ़ाई लिखाई को आगे बढ़ा पाएं और उससे अपने भविष्य को भी बना पाएं। मीन राशि वालों की कामकाज के प्रति लगन इस रूप से बनी हुई है जो आपको बड़ी सफलता दिलाए।
अपने ज्ञान और अपनी क्षमताओं को भी इसी रूप से इस्तेमाल करना होगा जो काम के प्रति आपकी अच्छाई को उभारे और उसका बड़ा फल आपको मिलता चला जाए। क्या करना चाहिए समूह में? किसी प्यार के रिश्ते की ओर आपका झुकाव बढ़ता चला जा रहा है, पर घर परिवार में अपनों के विचारों को आप शक की नजर से देख रहे हैं, इस चीज से बचना होगा। क्या ना करें समूह में? जिंदगी में हर परिस्थिति को भली भांति समझने से ही बात बनती है। अपने विचारों को बहुत ज्यादा प्रबल बनाकर गलती करते चले जाना ठीक नहीं है। जरूरत से ज्यादा प्रबल विचारों के साथ आगे मत बढ़िए, ये सलाह है ज्योतिष गुरु की आपके लिए। बहरहाल हमें तो आगे बढ़ना ही है क्योंकि आगे है जैकपॉट। मकर राशि वालों के लिए खास उपाय यह जी कि आने वाले चार बृहस्पतिवार को किसी भी मंदिर या पूजा स्थल पर जाएं ताकि जिंदगी की स्थिरता को बनाए रखने में आपको मदद मिल सके। तो फिलहाल दीजिए इजाजत और नोट कर लीजिए हमारा ईमेल आईडी aapketare@aajtak.com, वेबसाइट है www.aajtak.in/tare। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।